नमस्कार दोस्तों, 10वीं कक्षा के सारे विद्यार्थियों का स्वागत है। और आज का जो हमारा 10th का रिज़ल्ट जो है, जो सर्वर डाउन के इशू की वजह से डिले हो चुका है या फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं दिख रहा, उसका सॉल्यूशन हो चुका है दोस्तों। अब जो वर्क कर रही है वेबसाइट, उसको कैसे हमें चेक करना है वो मैं सिखाऊँगा यहाँ पर। तो आपके पास क्रोम या फिर कोई भी ब्राउज़र होना चाहिए, तो उसको खोल लीजिए, ठीक है। तो जो रिज़ल्ट के वेबसाइट्स है वो अभी फाइन वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डालना है maharesult.nic.in, ठीक है। तो उसके बाद आपको सर्च पे जाना है और सर्च कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं https://maharesult.nic.in महाराष्ट्र बोर्ड की जो वेबसाइट है उस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे हमें जो दो लिंक दिख रही है, जैसे कि result.mh.ssc.in और maha.ssc.board.in, तो इसमें से जो पहली वाली जो वेबसाइट है वो वर्क कर रही है, ठीक है। तो बिना किसी ट्रिक के वर्क कर रही है, तो उस पर हमें क्लिक कर देना है और थोड़ा सा वेट करना है दोस्तों, ठीक है। पेशेंस का खेल है, अभी सर्वर डाउन की वजह से आपको थोड़ा वेट करना पड़ता है, ठीक है। तो दोस्तों, जैसे कि देख रहे हो आप लोग, हमारा जो एसएससी महाराष्ट्र बोर्ड का पेज है वो खुल चुका है और यहाँ पे हमें ऑप्शन दिख रहा है एसएससी रिजल्ट्स 2021, ठीक है। तो नीचे आपको यहाँ पे एंटर सीट नंबर दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कर देना है और जो भी आपका सीट नंबर है वो डाल देना है इस प्रकार, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके माताजी का नाम डाल देना है यहाँ पे, ठीक है। और एक बात ध्यान से डालना कि आपके माताजी का जो भी नाम है वो लेटर्स कैपिटल में डाल दीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से डाल दीजिए, फिर यहाँ पे व्यू रिज़ल्ट का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आराम से खुल गया है, यहाँ पे पूरा आराम से दिख रहा है यहाँ पे जो भी है। यहाँ पे हम प्रिंट डाउनलोड भी कर सकते हैं, ये जो PDF है, ठीक है। तो आई होप कि ये जो आपका रिज़ल्ट है वो आराम से दिख जाए, और अगर ये वीडियो आपके यूज़ की हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों, ठीक है। बाय बाय।